मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। घर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है, इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूँ लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ। और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूँगी जो मैं कर सकती हूँ। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफ़र शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफ़ी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ज़माने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियाँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतज़ार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह हैं पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब, अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्ता व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुधर जाएगा। छोटी चीज़ों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं। बात कड़वी है पर सच है, लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है।
एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज़्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज़्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले हाथ से खून निकाल देता। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिससे आस्था ना खो जाए। ज़िंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको हजार साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से, बस हौसला नहीं होता खुद की नज़रों में खुद को कटघरे में लाने का। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते, आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी ज़रूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बता सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। ज़िंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितना भी तेज क्यों ना हो, समंदर कभी सूखा नहीं होता। सफलता का चिराग कठिन परिश्रम से ही जलता है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त न मिले। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता स्वयं बनाना होता है। यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़े नहीं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। न कभी भागे और न ही कभी रुके, बस हमेशा चलते रहे, यही एक विद्यार्थी की सफलता का मूल मंत्र है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा मकान के अलावा अगर इंसान को किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो है सिर्फ शिक्षा। विद्या एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में एक माता के समान है जो रक्षण एवं हितकारी होती है। इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा गया है। जिस दिन एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए हैं। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। अपनों को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कायरों की नहीं। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। यह एक विद्यार्थी जीवन की कड़वी सच्चाई है कि आजकल परीक्षा के परिणाम में विद्यार्थी कितने भी नंबर ला दे तब भी उसका परिवार कभी खुश नहीं होता। इसलिए नंबर के बदले सीखने पर ज़्यादा ध्यान दें। सफल और असफल विद्यार्थी में एक ही फर्क होता है। एक सफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं देता, जबकि असफल विद्यार्थी शिक्षा के अलावा सब पर ध्यान देता है।
ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान हर रोज़ देते रहें। अपने अंदर सीखने का जुनून विकसित कीजिए। अगर आपने यह कर दिया तो आपको आगे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमानी ऐसी ही है जैसे पर के बिना एक पक्षी।